दोस्तों इस मौसम में गर्मियां बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही हैं। 40-45 डिग्री के आसपास के यहाँ पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर इतना हाई है कि पूरा का पूरा रूम जो है बहुत ज्यादा हीट हो गया है, गर्म हो गया है। गर्म होने के कारण मैंने अपने सभी चूहों को बाहर निकाल दिया ताकि ये घूम घाम लें। आप देख सकते हैं कि घड़े के नीचे ये सो रहे हैं। चूहे घड़े के नीचे सिर्फ इसलिए सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको ठंडेपन का एहसास होता है। बिल्कुल फैल के सो रहे हैं, अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठा रहे हैं। देखने में आपको लगता होगा कि ये काफी लंबा है जबकि इतना लंबा नहीं है जितना कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। इसको ठंडक मिल रही है, सुकून मिल रहा है, इसलिए ये पूरा अपना पैर जो है फैला दिया है, पूरा शरीर को जो है जमीन पर टच कर दिया है। व्हाइट रेट्स को पालने में आपको ठंडी के मौसम में और गर्मियों के मौसम में ये दो सीजन ऐसे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है। गर्मियों के मौसम में इसलिए क्योंकि ठंडी लग गई तो फिर इनका बचना जो है बहुत ही मुश्किल है। गर्मियों के मौसम में अगर इनको गर्मी लग गई तो इनकी लंबाई आपको जितनी दिख रही है, जितने बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये, इससे बिल्कुल छोटे ये हो जाएंगे। लंबाई इनके बिल्कुल कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि मात्र 3-4 दिन के बाद इनकी डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए पानी वगैरह की व्यवस्था या फिर रूम को ठंडा जिस तरह से भी कर सकते हैं आप, उस तरह से करके इनको आप रखेंगे रूम के अंदर तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी मैं इनको जिस तरह से रखा हुआ हूँ तो मुझे काफी लेट हो रहा है इस समय क्योंकि आज फिर मैं दोपहर में लेट से उठा हूँ, इसलिए मैंने इसको गेहूं वगैरह सब कुछ दे दिया है खाने के लिए ताकि ये अपना खाता रहे 1-2 घंटे तक। उसके बाद मैं आके इसको वो सारी चीज दूंगा जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत जरूरी है, चाहे वो खीरा हो गया, तरबूज हो गया या और सारी चीजें जो कि गर्मियों के मौसम में इनको काफी ठंडक दें। बाकी पानी की व्यवस्था तो मैं हमेशा किए रहता हूँ इनके लिए। तो इसी तरह से अगर आप भी व्हाइट रेट्स पालते हैं तो गर्मियों के मौसम में इनका आपको विशेष ध्यान देना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप भी कर लेंगे तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा।